अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ नंबर से नहीं ज़हन से टाइनी यूट्यूबर। पेज वाली बात पे बाद में आएंगे, पहले इसका कैंसर नाप लेते हैं। आज की वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता था लेकिन बनानी पड़ रही है। मैं बताता हूँ क्यों बनानी पड़ गई। खुजली फैमिली की वीडियो अपलोड होने के बाद तूने 2000 से 3000 सब्सक्राइबर लॉस किए हैं। आज तक पाकिस्तान की यूट्यूब हिस्ट्री में किसी ने सब्सक्राइबर लॉस नहीं किए, पता है इस बात का? नेक्स्ट टाइम अपने आपको नंबर वन बोलना होना तो ये कहकर के मैं नंबर वन बंदा हूँ जिसने सब्सक्राइबर लॉस किए हैं। क्योंकि एक ऐसा इंसान है जो ऐसी खुश फैमिली में पड़ा हुआ है कि वो बहुत बड़ा रोस्टर है। मैंने अपने पूरे YouTube करियर में अपने आप को बड़ा नहीं कहा, हर कोई तेरी तरह नहीं अपने चाटता। जब अब तू लाहौर की स्ट्रीट्स में फिरेगा ना तो लोग तुझे जूते और डंडे मारेंगे। एग्जैक्टली, इसी बकवास और चुसिया ठंडे ह्यूमर की मैं पिछली वीडियो में बात कर रहा। तुम लोग देख रहे हो ये बंदा रोस्ट बना रहा है और जूते देखना इसकी, तो लोग तुझे जूते और डंडे मारेंगे। वीडियो लगाने से पहले ना ये बंदा पोस्ट लगाता है कि अभी रात को यूट्यूब पे बम गिराने वाला है, बम देखना इसका, तो लोग तुझे जूते और डंडे मारेंगे। बेटे सारा बम तो तेरे डिसलाइक बटन पे गिर गया, उठा ले अब उसे। शाम दिनेश ने मुझे फेमस कर दिया है, मैं पैसों का भूखा नहीं हूँ तेरी तरह। मेरी पिछली वीडियो थी इस बारे में कि तुझे फेम पैसे और व्यूज के अलावा और कोई बात आती ही नहीं, और हाल देखो इसका, वीडियो शुरू ही वहां से की है। अब हम बात करते हैं इसके फेम की। रियलिटी बताऊं ना तो जैद अली ना होता तो ये भी ना होता। इसकी पूरी लाइफ करियर है ही जैद अली। काउंट करना जरा, प्रैंक जैद अली एट हिज वेडिंग, जैद अली गॉट पुल्ड ओवर बाय पुलिस, जैद शाम इदरीस वर्सेस जैद अली, व्हाट शाम इदरीस सेड टू जैद अली, व्हाट शाम इदरीस आस्क्ड जैद अली, व्हेन जैद अली स्टार्टेड क्राइंग, जैद अली माई फर्स्ट व्लॉग के अंदर भी जैद अली, फजलुद्दीन मीट जैद अली, डू वुमेन डिजर्व रिस्पेक्ट फीट जैद अली। तू एक काम कर, अपने चैनल का नाम चेंज करके वाकई जैद अली रख दे। और इतना ही नहीं है, जैद अली के थ्रू अपना चैनल चलाने के बाद, जैद अली के उठाने के बाद, इसने अपनी वीडियो से जैद अली का नाम रिमूव कर दिया ताकि लोगों को ऐसे लगे कि ये सारे व्यूज जैद अली के बगैर आए हैं। और अपनी किसी वीडियो में इसने आज तक जैद अली को क्रेडिट नहीं दिया। अब बात कर फेम की। और हाँ, गालियां हम सब दे सकते हैं, याद रख, लेकिन हमारे माँ बाप ने हमें तमीज सिखाई है। लेकिन हमारे माँ बाप ने हमें फ्रॉड बनना भी सिखाया है, हमारे माँ बाप ने हमें झूठ बोलना भी सिखाया है, हमारे माँ बाप ने हमें चवलियाँ मारनी भी सिखाई है, लेकिन तमीज सिखा दी है। भूल गया फैसलाबाद के बारे में क्या बोला था? भाई आईफोन है इसलिए आईफोन ही लेना। तो फिर ये वही लोग होते हैं जो पिन में नहीं बैठे होते फैसलाबाद वाली साइड पे। अब बोलेगा इट वॉज अ जोक। जितने भी लोग इस वक्त कान काम कर रहे हैं ना, जरा सुनना, भाई आईफोन है इसलिए आईफोन ही लेना। तो फिर ये वही लोग होते हैं जो पिन में नहीं बैठे होते फैसलाबाद वाली साइड, जो पिन में नहीं बैठे होते फैसलाबाद वाली साइड पे। ओए नफसियाती बीमार, इसमें इंसल्ट कौन हो रहा है? भूल गया। तूने कॉम्प्लेन के साथ साथ ना चौकस भी खाया कर, चौकस। कहता है मैंने तेरी बहन का नाम नहीं लिया। ये ट्वीट देखें इसकी। अपनी वीडियो में मैंने क्या बोला? फेसबुक। ये क्या दिखा रहा है? ये ट्वीट देखें। मैंने क्या बोला था? फेसबुक। अब तो सर बोल दे। आपको समझ आ गई है ना कितना बड़ा फेक इंसान है ये? एक सेकंड के लिए ट्वीट दिखा के गायब नहीं किया करते, पड़े रहने देते हैं ताकि लोग पढ़ सकें। पहले तो इसने इतनी घटिया हरकत की है ना, आधी ट्वीट दिखाई है, आधी पूरा पूरा मतलब चेंज किया तूने। अब ये जो इन्होंने सिस्टर फॉर व्यूज वाली ट्वीट दिखानी शुरू की हुई है ना, ये वीडियो देखो, इस थंबनेल का और इस टाइटल का इस पूरी वीडियो से कोई ताल्लुक ही नहीं है। वीडियो मोनेटाइज्ड है तो मेरी ट्वीट में कोई गलत बात नहीं है। ये एक सेकंड के लिए ट्वीट दिखा के ना गायब ना किया करो, पूरी पढ़ने दिया करो लोगों को। और ये आधी आधी ट्वीट दिखाने वाली बगैरतियां ना लगाओ। इसके बाद ये बंदा लेके आया इस वीडियो को, जिसका मैंने लिटरली अपने इंस्टाग्राम पे बताया था कि ये ओरिजिनल नहीं है। अब जो चीज मैंने खुद एक्सेप्ट की हुई है, जो चीज मैंने खुद एडमिट की हुई है, जेम्स बॉन्ड बनने की कोशिश कर रहा है। तूने मानी है कभी आज तक अपनी कोई बात? फ्रॉगी की एक ट्वीट जो फ्रॉगी ने किसी भी पाकिस्तानी के बारे में नहीं बोली थी बल्कि इसके बारे में बोली थी। अब मुझे नहीं पता कि इनका दिमाग खराब है या ये जान के कर रहे हैं। दीज 20 इयर्स ओल्ड एस प्रूल है ये, और ये एक से ज्यादा बंदे की बात हो रही है। एवरी लिटिल स्मार्टी पैंट्स एवरी प्रूल है ये, और ये एक से ज्यादा बंदे की बात हो रही है। स्मॉल यूट्यूब आर्मी हैशटैग पाकिस्तानीज एस डाला है, एक से ज्यादा बंदे की बात हो रही है, पाकिस्तानियों की। पाकिस्तानीज को उर्दू में कन्वर्ट करो तो पाकिस्तानी पाकिस्तानियों बनता है, एक से ज्यादा। ओए तू बाहर रहता है फिर भी मेरी तेरे से बेहतर इंग्लिश है, ग्रामर सीख के आ किसी से मैट्रिक पास लौंडे। यूसी इन्होंने अपने ट्वीट का मतलब चेंज करने की इतनी कोई एंड लेवल की नाकाम कोशिश की है ना, इन्होंने बैरा गर्ग कर दिया ट्वीट का मतलब चेंज करके। टाइनी हमने आपकी सोच को बोला है, टाइनी हमने आपके नंबर को नहीं बोला। एक वीडियो या एक ट्वीट लाके दिखाओ जहाँ पे तुम लोगों ने ज़हन का नाम लिया हो कि तुम लोग ज़हन को बोल रहे हो। हर जगह तुम लोग व्यूज और सब्सक्राइबर्स का ही रोना रोते हो। और अंधे एक ना चश्मा लगा ले अपने पे, व्यूज ट्वीट के अंदर लिखा हुआ है, ज़हन नहीं लिखा हुआ। तूने टाइनी पाकिस्तानियों को ही बोला है, पाकिस्तानी को नहीं पाकिस्तानियों को बोला है। और ये सारी उम्र याद रखना, मतलब चेंज करने की कोशिश ना कर। फजलुद्दीन की एक वीडियो तेरे पूरे करियर के व्यूज से ज्यादा है। लिटरली सारा यूट्यूब इसके व्यूज सब्सक्राइबर और जेलेसी पे ऑब्सेस्ड होने की बात कर रहा है और ये बंदा बाज ही नहीं आ रहा। पसीना आ रहा है, ये ले टिश्यू ले ले। फनी जुगत आई है यार, फनी साउंड इफेक्ट लगाना जरा। पिक्चर्स लगाता है
ये इतना फेक बंदा है खुद मानता है। यूसी ये बंदा इतना पागल है कि जिसके बारे में मैं ऑलरेडी सॉरी बोल चुका हूँ उसको बीच में लाके हीरो बनने की कोशिश कर रहा है कि मैंने तो भाई बहुत ही एक्सपोज मार दिया है। मतलब इसके पास सिर्फ वही आर्गुमेंट बचे हैं कहने को जो मैं ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुका हूँ। ये टाइटल पढ़ना ये फेक है। जितने भी लोगों ने ये वीडियो देखी है उनको पता है कि 14 साल का लड़का इसमें लड़कियां पकड़ता है। तू क्या कॉलेज में फेल हो गया है? वो हाँ नहीं, तू कॉलेज में तो फेल हो गया। ये बंदा रिस्पेक्ट हिजाब की बात करता है, कैमरे पे बैठ के किसी और लड़की के बारे में मजाक उड़ाता है। You think you're this bomb? Yeah. मजाक नहीं है, ये पैरोडी थी जो ये औरत करती आई है। मजाक तो तूने उड़ाया पुलिंग हिजाब ऑफ को अपने वीडियो के टाइटल में डाल के, जिसका तूने मेंशन नहीं किया क्योंकि तू उसके बारे में कुछ कह भी नहीं सकता। और आप लोग इस बंदे को सपोर्ट कर रहे थे? हाँ कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट, मसला है तुझे? और तुझे इसी बात की जलन है कि सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? अब आप लोगों को इस बंदे की असलियत पता चल गई है। ओए होए 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 होए, एक्सपोज हो गया भाई, मैं तो पाड़ के रख देती साले। इससे बड़ी तूने ट्रैश कैंसर वीडियो आज तक नहीं अपलोड की होनी। सपोर्ट दे के इसकी फट रही है कि सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? पनिश अ मुस्लिम डे आया था, कहता है कि तूने उसके बारे में वीडियो क्यों बनाई। मैंने अपनी एक भी वीडियो के अंदर नहीं बोला कि तूने पनिश अ मुस्लिम डे के ऊपर वीडियो क्यों बनाई। हाँ, और इसका साथ देने वाले ये जो और यूट्यूबर्स बन रहे हैं, खुजली जलन तो हो रही होगी ना, तो मुझे कहता है शाम भाई कनेडियन वीजा दिला दो। बाय द वे ये बात इसने इतनी झूठ बोली है ना। नादिर भाई की कितनी वीडियोस के अंदर कैमरा कभी सामने होता है, कैमरा कभी छुपा होता है। मेरी वीडियोस में भी ऐसा होता है। नादिर अली को बीच में लाके ना तूने बड़ी गलती की है। भला क्यों? क्योंकि नादिर अली की एक वीडियो ना तेरे पूरे लाइफ टाइम करियर से ज्यादा एंटरटेनिंग होती है। तेरी वीडियो देखने के तो लोगों को पैसे मिलने चाहिए, और नादिर अली हमारा बिगेस्ट यूट्यूबर है। कांग्रेचुलेशन नादिर अली फॉर बिकमिंग द बिगेस्ट पाकिस्तानी यूट्यूबर। तू छोटे यूट्यूबर्स को कुत्ता बोलता है, और ये बात तू ना पूरी वीडियो के अंदर इग्नोर कर गया जैसे पता नहीं कुछ हुआ ही नहीं है। कमेंट्स ब्लॉक करता है शाम। हाँ मैं कमेंट्स ब्लॉक करता हूँ और करूंगा भी। मतलब ये जादू का डॉपलोगैंगर कह रहा है कि मैंने टट्टी वीडियो भी बनानी है, मैंने स्क्रिप्टेड वीडियो भी बनानी है, मैंने मैंने चवलियां भी मारनी है, लेकिन मुझे कोई कमेंट ना कर दे बस। हाँ मैं मानता हूँ अगर कभी कोई इंस्पायर्ड आइडिया आ गया तो वो भी मैंने बनाई है। हाँ हाँ इंस्पायर्ड आइडिया आया था, इसलिए मैंने कमेंट के अंदर कॉपी बैन किया, इंस्पायर बैन नहीं किया। इस बंदे ने बार बार ट्विटर पे कैसे कैसे नाम डाले। इन मैडम ने ना मुझे इंस्टाग्राम पे डक्की दल्ला है बोला, जिसको मैंने एज अ जोक लिया। अब अगर दल्ले मैंने ट्वीट पे डाल दिया तो तेरी हालत क्यों खराब हो गई है? जितने आप लोग थम्स अप देते जाएंगे ये अपनी वीडियोस पे एड्स लगाता जाएगा। हैवी जुगत आ गई भाई, साउंड इफेक्ट लगाओ। अब आते हैं पेज पे। पहले मैं ये बताता हूँ कि इसने अपनी वीडियो में क्या बोले। इसकी वीडियो देखी तो मैंने इसे मैसेज किया, इसने मेरे मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दिया। जब इसने मेरे मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दिया था तो मैंने भी इसके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दिया। हुआ ये था कि मैंने शाम इधर इस रोज बनाने से पहले इससे परमिशन ली थी कि कहीं इसकी हालत ना खराब हो जाए। अब इसका उसने रिप्लाई नहीं दिया, जो मुझे समझ में आती है क्योंकि मुझे खुद 50 से 60 ईमेल आती है, मैं कौन सा साड़ी पढ़ता हूँ। खैर मैंने वीडियो बना दी, अपलोड कर दी, इसने फेसबुक पे स्ट्राइक लगा दी। उसके बाद मैंने मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी ब्रो, कैन यू प्लीज रिमूव अ स्ट्राइक फ्रॉम माई चैनल एंड माई फेसबुक पेज, वी कैन टॉक अबाउट दिस, आई एम एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, रिगार्ड्स साधुर रहमान डक्की भाई। फिर मैंने दोबारा की, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज यू कुड जस्ट कॉन्टेक्ट मी टू रिमूव द वीडियो। अब जब मैंने ये लिखा हुआ कि यू कुड जस्ट कॉन्टेक्ट मी टू रिमूव द वीडियो, तो इसका यही मतलब है कि तूने मुझे कोई पहले मेल नहीं की। आई वुड रिमूव इट इमीडिएटली विदाउट एस्किंग एनी क्वेश्चन। उसने ये मेल देखी लेकिन इसने कोई इसका रिस्पॉन्स नहीं दिया। इंस्टेड इसने क्या किया कि यूट्यूब पे गया, वहां पे कॉपीराइट स्ट्राइक लगा दी, लेकिन यूट्यूब वालों ने वो वीडियो रिमूव इसलिए नहीं की क्योंकि वो वीडियो फेयर यूज में आ रही है। उसके बाद मैंने कोई गंदी चीज पोस्ट नहीं की फेसबुक पे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे फेसबुक वाली स्क्रीनशॉट दिखाओ। तुम लोग वो बहन वाली ट्वीट ले आते हो बार बार जो सच है। उसके बाद फेसबुक पे मेरी जितनी मीम्स थी और इसको जहां पे चांस मिला उसने स्ट्राइक लगाई उस पे। और स्ट्राइक लगाने के बाद ये ट्विटर पे मुझे मैसेज करता है जहां पे ये बेसिकली मुझे धमकी देता है, यू कीप डूइंग स्टूपिड शिट एंड मेकिंग हेट वीडियोस ऑन मी। ओ भाई एक वीडियो बनाई है, वीडियोस नहीं वीडियो बोल, पाकिस्तानी पीपल नेवर सपोर्ट अदर पाकिस्तानी, वही जो मैंने पिछली वीडियो में बात की थी। आई अंडरस्टैंड यू कैन स्टॉप हेटिंग बिकॉज इट मेक्स यू जेलस, व्हाई आई हैव 6.3 मिलियन फॉलोअर्स ऑन फेसबुक एंड यू हैव 2,19,000। यू वांट टू प्ले डर्टी गेम, I will show you. I will get all your videos copyrighted and deleted unless you delete them yourself and channel suspended. Let me show you why my silence wasn't my weakness. मतलब एक सीरियस बात चल रही है और ये चेवल ड्रैगन बॉल जी के डायलॉग्स फेंक रहा है। I was just letting you grow which you decided not to. अब मेरा ये मैसेज देख के इंतहाई गुस्सा चढ़ा ना इसे कि मैंने इसको पहले मेल की हुई है जहां पे मैं इससे बेसिकली अपोलोजाइज कर रहा हूँ कि मैं वीडियो भी रिमूव कर दूंगा लेकिन आप स्ट्राइक हटा दो। अब ये देखो यहां पे मैंने फिर से बोला है कि तुम एक बार मुझे वीडियो रिमूव करने का कह रहे थे, तो ये जो कह रहा है ना कि मैंने पहले मेल सेंड की है वो झूठी है और तुम्हें ये बात एंड में पता लगेगी। उसके बाद मैंने इसको मैसेज किया, ऑल राइट लेट्स पुट दिस बिहाइंड, यू डोंट हैव टू रिलीज द स्ट्राइक्स, आई डोंट केयर, यू आर अ पाकिस्तानी यूट्यूबर एंड आई रिस्पेक्ट दैट। ये याद रखिए मैंने तुझे लिखी हुई है बात, जस्ट टेल मी द कंटेंट यू वांट मी टू रिमूव फ्रॉम फेसबुक,
I'll do it. And sorry for the above reply. Just lost my mind for a while, waiting for your response. We can put the past behind us and start fresh. Pakistani should support Pakistani. Look at all the Indian YouTubers, how they stick together. Since you also removed Zaid's video, I'll let you make smart decision because I know you put effort in your videos too. We can just have no beef and continue without further issues. We can actually be friends if you remove the video. And when I come to Pakistan in a month, we can vlog and collab. Apni video ke andar ye kya kehta hai? Twitter pe mere saath fake dosti bhi karne ki koshish ki. Message to mujhe tera आया है जो तू कह रहा है कि मेरे से दोस्ती कर ले हैं क्योंकि वीडियो रिमूव कर दे. यू आर मैच्योर गाइस सो यू कैन मेक योर ओन डिसीजन व्हाट एवर यू डिसाइड. आई एम गुड विद बोथ शाम. बस फिर मैंने कहा थैंक्स अ लॉट ब्रदर, आई विल सी व्हाट आई कैन डू. गुड लक फॉर द फ्यूचर एंड गॉड ब्लेस यू अ लॉट. पीस. बस अब यहाँ पे बात खत्म हो गई, प्योर एंड हो गई. कुछ भी नहीं किया मैं, तो ऐसे ही प्रिटेंड करता था जैसे ये है ही नहीं. फिर क्या हुआ, मैंने फेसबुक पे एक वीडियो अपलोड करनी ही, लेकिन जैसे ही मैंने अपलोड की ना, मुझे फेसबुक की तरफ से मैसेज आता था कि आपकी अपलोडिंग डिसेबल्ड है. अब मैंने इसको कुछ दिनों के बाद वापस मैसेज किया, I can't upload a video for some reason on Facebook. Would you mind take the strikes back? इसने मैसेज सीन किया लेकिन कोई रिप्लाई नहीं दिया. You dead? भाई साहब I need to upload a video on Facebook but I can't upload because of your strikes. उसने मैसेज फिर से सीन किया लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया. I know you have seen the messages already. WTF man, I have to upload my shit. उसने फिर से मैसेज सीन किया, प्योर इग्नोर किया. अब मैंने फेसबुक पे अपनी वीडियो अपलोड करनी ही और ये बंदा स्ट्राइक्स नहीं हटा रहा. मैंने फेसबुक पे स्टेटस डाल दिया जो ऑब्वियसली अब फेसबुक पेज तो नहीं है, लेकिन मैं वर्ड टू वर्ड मुझे याद है कि मैंने क्या लिखा था. सो शाम इदरी स्ट्राइक माई फेसबुक पेज एंड गॉट हाफ ऑफ माई कॉन्टेंट रिमूव. आई टॉक टू हिम ऑन ट्विटर एंड वी डिड मेड अ पीस. आई ट्राई टू अपलोड अ वीडियो ऑन माई फेसबुक पेज बट आई कैंट बिकॉज ऑफ द स्ट्राइक्स. आई एस्क्ड शाम इदरी टू रिमूव द स्ट्राइक बट ही इजंट डूइंग दैट. जस्ट वॉन्टेड टू एड्रेस द सिचुएशन. आई डील विद दैट शिट माईसेल्फ. बस अपनी जस्ट एक सिचुएशन बताइए कि मेरी शाम इदरीस की वजह से अपलोडिंग डिसेबल हुई हुई है. बस अब मैं यहाँ पे तीन चार दिन वेट किया कि मतलब क्यों स्ट्राइक्स नहीं हटा रहा, ऊपर से मैसेज भी सीन कर रहा है. लेकिन जैसे ही मैंने ये पोस्ट की ना, कहता हाँ आई जस्ट केम ऑन ट्विटर, यू मेड अ पोस्ट अबाउट मी लोल, ओके आई टोल्ड यू लास्ट टाइम आई लेट इट बी, यू वॉन्ट वॉर, लेट्स डू इट नाउ. जबकि मैंने सिर्फ इतना लिखा था कि मेरी अपलोडिंग डिसेबल हुई हुई है शाम इदरीस की वजह से, और वो उसे जंग बना के बैठ गया. यू वॉन्ट वॉर, लेट्स डू इट नाउ. सीरियस बात हो रही है, ड्रैगन बॉल जी के डायलॉग लाने इसको बीच में. बस इसके बाद इसने ब्लॉक किया, उसके बाद ये मेरे पेज पे गया, इसने पूरा घंटा लगा के फुल नीचे तक स्क्रॉल किया और एक एक चीज जहां पे भी पॉसिबल थी ना स्ट्राइक लगाता गया. मुझे नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन आ रही है कि आपका ये भी रिमूव हो गया. आधे घंटे बाद फिर नोटिफिकेशन आता है कि आपका ये भी रिमूव्ड है. फिर नोटिफिकेशन आता है कि आपका ये भी रिमूव्ड है, ये भी रिमूव्ड है. फिर नोटिफिकेशन आना बंद हो गई. मैंने जैसे ही अपना फेसबुक खोला, लिखा आ गया डिसेबल्ड. और जब भी मैं पेज पे जाता था वहां पे लिखा आया था दिस पेज इज अनअवेलेबल. अब जब ये हुआ था ना, मैंने आई गॉट बैंड वाली वीडियो बनाई जिसके अंदर मैंने बताया था कि मेरा पेज बैंड हुआ है. नए पेज की मैंने लिंक दी हुई है, उसको जाके लाइक कर दो. बस अब इसने वो वीडियो देखी है, इवन उसके बाद भी इसने कोई स्ट्राइक्स नहीं हटाए. अब मुझे इस पे इतना गुस्सा था कि मैंने एक दो वीडियोस के अंदर इसकी एक दो सेकंड के लिए पिक्चर डाल दी. अब क्या हुआ, मेरे जो नए पेज है ना उसके अंदर मैंने वो दोनों वीडियोस अपलोड की हुई थी. अगले दिन मुझे नोटिफिकेशन आता है कि वो दोनों वीडियोस गायब हैं. वजह, स्कैम इब्लीस. पहले वाले पेज पे तो स्ट्राइक लगाई लगाई थी, दूसरे को भी नहीं छोड़ा जिसके 10,000 लाइक्स भी नहीं पूरे हुए थे, उस पे दो स्ट्राइक ऑलरेडी लगा दी. अब मैंने ये सारी बातें डिस्कस की खुजली फैमिली के साथ और द ग्रेट मोहम्मद अली के साथ, और इन दोनों ने मुझे ये मशवरा दिया कि इसको प्योर इग्नोर करो, ऐसे एक्ट करो जैसे ये है ही नहीं. बस उसके बाद मैंने इसको कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा. उसके बाद मैंने इसको कहीं मेंशन किया, मैंने इसको ज़ेन में भी नहीं डाला. मैंने चुप करके अपनी वीडियो बनाई जहां पे ये है ही नहीं, मेंशन तक नहीं है. अब एक हफ्ते गुजर गए, दो हफ्ते गुजर गए, एक रात में सोया हुआ, सुबह उठता हूँ, फेसबुक की तरफ से नोटिफिकेशन आई होती है कि आपकी हमने फ्लां पोस्ट उड़ा दी है. तब मैं बना रहा ये 200,000 स्पेशल सब्सक्राइबर. इसके अंदर भी कंपाइलेशन के अंदर जान के मैंने कोई ऐसी वीडियो नहीं डाली जिसमें ये इंक्लूड हो, क्योंकि मैं इसको नहीं रखना चाहता था कहीं, क्योंकि मैंने इसको फुल इग्नोर करना था. अब ये मैंने किसी दूसरे यूट्यूबर से बात की, एक तो मैं इसको प्योर इग्नोर कर रहा हूं हफ्ता, दो हफ्ता, तीन हफ्ता, उसके बाद भी ये फेसबुक पे रिपोर्टें मारी जा रही है. उस पिक्चर पे जो वैसे मुझे किसी फैन ने भेजी थी वो मैं आगे लोगों से शेयर करना चाहता था, मैंने अपने फेसबुक पेज पे लगाई जहां पे ना शाम का नाम है ना शाम का मुंह है, इसको रिपोर्ट कर रहे हैं. अब पूरा इग्नोर करने के बाद भी ये जब चांस ढूंढता था ना कि कुछ मिल जाए तो स्ट्राइक लगा दे, मैंने प्लानिंग शुरू कर दी इस वीडियो की. अब मैं तुम लोगों को एक मजे की बात बताऊं, जितने भी लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है ना वो बगैर सोचे समझे बोलते हैं. सेम केस यहां पे हुआ है. इन मैडम ने ट्वीट्स के अंदर एस डाला है यानी कि प्लूरल है, एवरी डाला है यानी कि प्लूरल है, एक से ज्यादा बंदे की बात हो रही है, 20 ईयर ओल्ड्स एक से ज्यादा बंदे की बात हो रही है. लिटिल हट को कहती है कि मैं कमरे की बात कर रही थी, जबकि लिटिल हट छोटा झोंपड़ा होता है. ट्वीट के अंदर व्यूज की बात की हुई है और कह रही है कि मैं ज़ेन को कह रही थी. अब तुम लोग ये सुनना, इस बात पे इसने
अल्लाह की कसम खाई है। अल्लाह की कसम, that was for that individual। अब जो अल्लाह की कसम ही झूठी खा रहा है, उसकी पूरी वीडियो ही झूठी है, तो इसको साइड पे कराओ। अब आते हैं इस पे। अब ये बंदा कहता है कि जैसे ही शाम इदरीस रोस्ट वीडियो बना है, मैंने इसको पहले मेल किया है वीडियो रिमूव करने के लिए। इस वक्त मैं अपनी लाइफ बेट करने को तैयार हूँ कि ये फेक है। अब तुम लोग एक बार ना ये मेल पढ़ना, आई डोंट नो यू एंड यू डोंट नो मी। भाई जब मैंने तेरे पे रोस्ट बनाई है तो ये कैसे हो सकता है कि आई डोंट नो यू। खैर, but you made a roast on me, I don't care about the roast, however you use such dirty things, why man, Pakistani should support Pakistanis, I have million subscribers, yet I am sending you an email, because instead of taking action, this was the right thing to do। अब मैं आपको ये बताऊँ, ये इसने अभी बैठ के लिखी है, ये इसने, मैं अपनी लाइफ बैट करने को तैयार हूँ कि ये इसने। अब शाम इदरीस, मैं तुझे एक बात बताऊं, तू ट्वीट मारता है ना कि अल्लाह इज फेयर, ये वीडियो देखने के बाद मुझे वाकई पता लगा कि अल्लाह इज फेयर। जब तू ये बैठ के मेल बना रहा ना, अल्लाह ने तेरे जेन में बात डाली ही नहीं कि 16 सितंबर 2017 को तेरे मिलियन सब्सक्राइबर्स थे ही नहीं। अभी सोशल ब्लेड पे जाओ, तेरे 8 लाख सब्सक्राइबर्स थे। मेल के अंदर तूने लिखे मिलियन सब्सक्राइबर्स, अल्लाह ने तेरे जेन में ये बात डाली ही नहीं कि तूने यहाँ पे मिलियन नहीं लिखना। और हाँ, तू बहुत ही गंदा फंस गया। अब मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा मुझे और तुम्हें कोई बात बतानी चाहिए कि ये मेल फेक है। ऑब्वियसली 16 सितंबर को इसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स नहीं थे, लेकिन इसने यहाँ पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स लिखा हुआ है, क्योंकि जब कल परसों जब ये मेल बना रहा बैठ के, इसके जेन में ये बात नहीं आई कि मैंने यहाँ पे 1 मिलियन नहीं 8 लाख लिखना है। मैं अब ये प्योर एंड कर रहा हूँ, इसके बाद से मेंशन भी नहीं होगा, प्योर इग्नोर है। और मैं जस्ट एक ओवरऑल जितने भी पाकिस्तान में यूट्यूब कम्युनिटी है उनको थैंक यू बोलना चाहूंगा। खुजली फैमिली, कराची वाइन, द इडियट्स, द ग्रेट मोहम्मद अली, इरफान जुनेजो, तैमूर सलाउद्दीन मुरू, द वाइड साइड, नुमान अलीम, स्पेशल थैंक्स टू जैद अली फॉर ट्वीट्स, जो मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा। आई होप वन डे पीपल विल अंडरस्टैंड दैट व्यूज डोंट मीन रिस्पेक्ट, इट्स वेरी इजी टू गेट व्यूज, इट्स मच हार्डर टू गेन रिस्पेक्ट। ऑल दीज पीपल दैट आर कंसिडर्ड टू बी टाइनी यूट्यूबर ऑफ पाकिस्तान आर वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग पीपल इन पाकिस्तान, देयर इजंट मच फैसिलिटी फॉर मेकिंग वीडियोस, येट दे प्रोड्यूस अमेजिंग कंटेंट, हैट्स ऑफ टू ऑल द टाइनी यूट्यूबर्स, बाकी थैंक यू एवरीवन। और मैंने तुम लोगों को दिखा दी है, जो अल्लाह की कसम ही झूठी खा रहा है उसको साइड पे करो, और ये मेल 100% फेक है, इसके तब मिलियन सब्सक्राइबर्स थे ही नहीं। आगे तुम लोग समझदार हो। अल्लाह हाफिज़।